एक हो गया फिक्स डिपॉजिट, चिपका दीजिए पैसों ही नहीं निकलेगा। हम लोग जो पैसा जमा करते हैं कौन जमा होता है, ये नहीं निकलता है पैसा। एक साल से पहले निकाल देंगे तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, कहेगा 7 साल बाद निकालिएगा। ये बताइए अकाउंट को कोड में ऐसे लिखा जाता है, अकाउंट अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होंगे? एक एकदम चिपका दीजिए, फिक्स कर दीजिए, क्या कह दीजिए, फिक्स कर, एकदम फिक्स चिपका दीजिए, क्या कह दीजिए, फिक्स चिपका दीजिए। आप पैसा जमा करेंगे तो उसे डिपॉजिट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एक हो गया फिक्स डिपॉजिट, चिपका दीजिए पैसों ही नहीं निकलेगा। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, इसे कहते हैं। डिमांड मतलब था मांग, जमा मतलब जमा किए हैं लेकिन जब मांगेंगे तब देना होगा, जब मांगेंगे तब दे देना होगा। तो बैंक कहेगा ठीक है लीजिए चेक, ढाई दे साइन कीजिएगा निकाल देंगे। तो कहेगा चेक में पैसा निकलते एक दिन लग जाता है, तो कह लीजिए ये एटीएम धक्का धक मार दीजिएगा। कहा कि एटीएम में पैसा नहीं रहता है, कह लीजिए आप मोबाइल में एप्लीकेशन धक्का धक डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे पास तो लैपटॉप है, तो लीजिए ऐप ले लीजिए, नेट बैंकिंग ले लीजिए, नेट बैंकिंग, बस डिमांड डिपॉजिट में पैसा रखेंगे धक्का धक निकाल देंगे। चेक से निकालिए, फॉर्म भर के निकालिए, एटीएम से निकालिए, मोबाइल से निकालिए, नेट बैंकिंग से निकालिए, डाका डाल के निकालिए, मांग जमा में पैसा निकल जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो हम लोग जो पैसा जमा करते हैं कौन जमा होता है? मांग जमा। अच्छा फिक्स डिपॉजिट में एटीएम देगा? कह चिपका दिया रे तुम, नहीं देगा एटीएम। चेकबुक देगा? नहीं देगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग देगा? नहीं। एप्लीकेशन दे देगा टुकुर टुकुर देखने के लिए कि देखिए आपका पैसा जमा है, फिक्स डिपॉजिट जमा है, समझ आ गया कि नहीं? इसी को सावधि जमा कहते हैं, सावधि जमा, सावधि जमा। ये नहीं निकलता है पैसा इसको, अरे गधा कहेगा तो निकलता कौन चीज, बेवकूफ है क्या? तो क्या रखने के लिए थोड़े दिया है, निकलेगा लेकिन तुरंत नहीं निकलेगा। इसका प्रोसेस लग जाएगा, इसकी शर्तें लग जाएंगी कि एक साल से पहले निकाल देंगे तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कहेगा 7 साल बाद निकालिएगा, 8 साल बाद निकालिएगा, डबल करके दे देंगे। और निकालने से पहले आपसे फॉर्म भरवाएगा, आपका केवाईसी लेगा, अप्रूवल के लिए भेजेगा, कम से कम 2-3 दिन लगा देगा। समझा गया कि नहीं? तो बताइए ज्यादा तरलता यानी फ्लो किसका है, डिमांड डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट? धड़ाधड़ फ्लो करता है, तुरंत पैसा जाती तो चाहिए, यहाँ पे धाए दे यूपीआई से जोड़ के धड़ाधड़ निकाल दो, नेट बैंकिंग करो, यूपीआई करो, पेटीएम करो, सब किस में से होता है? एक में से निकालना ही नहीं देगा यहाँ पे। ये बताइए बैंक के लिए अच्छा कौन है? हाँ बैंक के लिए, आप बताओ बबनी। हाँ हाँ ये वाला काहे नहीं अच्छा है? वो निकलते रहता बैंक को पता नहीं, आज 5 लाख है कोनो 4 लाख घसका दिया। और इसको तो पता है घसकाने से पहले फॉर्म भरेगा, अप्रूवल लेगा, ये करेगा वो करेगा। तो बैंक को ज्यादा फायदा और बैंक को कम फायदा? अब बताइए बैंक ज्यादा ब्याज डिमांड डिपॉजिट पे देगी कि फिक्स डिपॉजिट? इस पे ज्यादा ब्याज देगी, इस पे लगभग 4% देती है, इस पे लगभग 7-8% दे देती है। अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है, कोई फिक्स नहीं। अरे गधा कहीं कहीं कोई फिक्स रहता है, चेंज होते रहता है यहाँ पे, समझ आएगी नहीं? इस पे लगभग 4%, इस पे लगभग 8 मान के चलिए, इस पे कितना हो गया 8, कितना मान लिए, ठीक मान लीजिए 7-8% दे दिया यहाँ पे। इस पे क्यों ज्यादा देता है? फिक्स होता है, अच्छा कह देगा उस पर खूब शर्त लगा देगा, देखिए 10 साल छोड़ दीजिएगा तो 8% ब्याज देंगे, 1 साल से पहले ही निकाल दीजिएगा तो 4% ब्याज देंगे। उसका कई ठो नियम कानून बता देगा, सारा नियम इसीलिए रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा दिन छोड़िए। जैसे ज्यादा से ज्यादा दिन के छोड़ दिए, पूरे भारत में लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें मान के चलिए अगर एक जिला एक गांव से एक ही आदमी अगर फिक्स एफडी कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया, तो 6 लाख गांव, 6 लाख गांव, एक गांव से 1 लाख का एफडी हुआ, 6 लाख गांव है, इतना था पैसा हो जाएगा, पूरा पैसा एकदम समेट लेगा बैंक का। अरे बाप रे बाप, पैसा लॉकर में मार यहाँ पे। उसके क्या कहेगा, अडानी अंबानी टाटा पैसा चाहिए, 12% ब्याज लेंगे। कितना परसेंट?
और उनको कितना देना है? आज पैसा बैंक का है, जनता बैंक बीच में कितना ले गया? चार ले जाओ। यहाँ पे ट्रेन बनाओ, मुंबई ट्रांस हार्बर रोड बनाओ, मेट्रो बनाओ, ये बनाओ, ले जाओ पैसा ले जाओ, 12% देते रहना। कहीं उधरे से लेके लंदन भाग गया तो बैंक का लोग माथा कूच देते हैं। लेकिन इसीलिए बैंक टोटल लोन नहीं देता है, उसको क्या पता पब्लिक को, गया पैसा निकालने दे दिया उसको, कोई उतने पैसा पे बैंक दो, फिर अगले साल लोग एफडी कराएंगे, तो वो फ्लो में मेंटेन रहता है ना, इसलिए पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर फ्लो टूट गया, फ्लो टूट गया तो लोग नए कस्टमर नहीं आएंगे और पुराने पैसे से काम चलाना होगा। अब पुरनका पैसों को लेकर भाग गया तो ले, नयका बंद था पुरनका भाग गया, बैंक गया काम से, समझ गया, इसमें एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले, उन्हें हैंड टू माउथ कहा जाता है, काम करेगा सामने खाना खाएगा, जैसे डेली लेबर वाले। ये लोग मांग जमा रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, इतना पैसा रहता ही नहीं कि एफडी कर सके, क्योंकि एफडी में बड़ा अमाउंट जमा होता है, एक के बारे में 50,000, 1,00,000। और एक कोई मजदूर है उसे कह दीजिएगा एक के बारे में 10,000 तो दे ही नहीं पाएगा। तो इनके लिए लिया गया कि डेली वाला, क्या किया गया, डेली वाला, उसे कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, आवर्ती जमा, इसे कहते हैं आरडी, क्या कहते हैं आरडी, इसे क्या कहते हैं एफडी, ऐसे डीडी, क्या हो गया डीडी। तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट डीडी, रेकरिंग डिपॉजिट आरडी, फिक्स डिपॉजिट एफडी। अब जैसे मान के चलिए आप किसी बैंक में गए और कहें कि हमको मंथली हम 1,000 रुपया जमा करेंगे, मंथली हमार जमा करेंगे, समझा गया कि नहीं गया, तो क्या हो गया आरडी, क्या हो गया आरडी, किसी को दिक्कत? फिक्स में एक ही बार जमा करना होता है, इसमें हर महीने, उसमें एक बार जमा करके भूल जाइए। जैसे आपके पास सपोज 10,00,000 रुपए जमा करके भूल जाइए, बीच उच में कभी जमा ना, इसमें हर महीने कुछ दीजिए या हर 6 महीने पे, जिस तरह से शर्त है उस चीज को साइक्लिक दोहराना पड़ेगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट में साइकिल दोहरानी पड़ेगी, चाहे वो मंथली साइकिल दोहराइए या 6 मंथ वाला या हर साल कुछ कुछ जमा करते रहिए, तो वो होता है। तो जिनके पास कम इनकम है उनके लिए रेकरिंग, और जिनके पास ज्यादा है, और जिनको बिजनेस में पैसा लगाना है, डिमांड डिपॉजिट। सबसे ज्यादा इंडिया में अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में। आप में कितने लोग के यहाँ एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, हाँ पापा कराए होंगे आप लोग के लिए, ब्याह शादी में लगता है, समझ में आया, भगवान ना करे वो ब्याह शादी में लगे। हाँ अपने लिए माँ बाप कभी कुछ नहीं रखते हैं, माँ बाप कभी अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, माँ बाप या दुनिया का कोई आदमी कमाएगा उसके बाल बच्चे उसका उपभोग करेंगे, समझ में आया। दादा का धन दौलत पिताजी के पे, पिताजी वाला आप लोग के पास, आगे बढ़े तो आप लोग के पास एफडी, कितने लोग के पास आरडी है, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, हाँ ठीक है, कितना जमा होता है 1,504 रुपए पर मंथ, वो फिक्स होता है 1,504 या 1,500 रुपए जमा होता है, एसआईपी हो गया, वो कर एसआईपी आगे पढ़ेंगे हम लोग, म्यूचुअल फंड जब पढ़ेंगे तब एसआईपी पढ़ेंगे, वो आरडी हो गया। इधर कौन जमा करती, कितना 12,000 रुपए हर 6 मंथ पे, यानी मंथली 2,000 पड़ा, हाँ वही बात है, मंथली 2,000 कीजिए, अच्छा आपका बनी मंथली, दोनों लोग सेम वाले में है, वो 6 मंथ में रेकरिंग कर रही है 12,000 का, आप हर मंथ 2,000 जमा हो रहा है, सोचिए माँ बाप पे कितना टेंशन रहता है। इधर मम्मी के मगर मत सब, तुम लोग को भी कुछ होता है जमा होता है तुम लोग का, अकाउंट नहीं है हम लोग के नाम तक कुछ जमा नहीं हुआ था, पहला अकाउंट खुला था छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलर और जीरो बैलेंस पे, अब पता चला 9th में ना पैसा आने वाला है, हमारे पूरे कॉलेज का पैसा आया था, हमारा नहीं आया
और कोई टोका नहीं आया था, मतलब उसमें तीन चार टोका नहीं आया, उसमें हम भी थे। टेंथ में भी नहीं आया, इलेवेंथ में भी नहीं आया, ट्वेल्थ में भी नहीं आया, और एक बार गए चेक करने तो 450 रुपया पता नहीं कहां से आया, तो कौन चीज का था पता ही नहीं चला। उसको निकालने गए तो कह रहा है कि आपका अकाउंट बंद हो गया, 500 रुपया लगे। 400 रुपया साढ़े 400 रुपया निकालने के लिए पहले उसमें 500 रुपया जमा किए तो अकाउंट वह जिंदा हुआ। अरे बाप रे, इतना दिन छोड़ दिया था। तो फिर जो 450 पहले वाला था, फिर जो 500 रुपया लगा के उसको जिंदा किए, तो दोनों मिला के 950 रुपया निकाल के लाए। पता नहीं कौन जी का था वहां पे।